विधानसभा सीटों के लिए, तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर चुका है, जिसमें मिजोरम की बात कर लें तो 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, राजस्थान की बात कर लें 23 नवंबर को वोटिंग होगी, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा 7 नवंबर 17 नवंबर और तेलंगाना की बात कर लें तो 30 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना आपको बता दें कि 3 दिसंबर को ही होगी। तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग की रही है, वो तमाम जो आंकड़े हैं वो भी यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से रखे गए हैं। बकायदा ये भी कहा गया, क्योंकि आधी आबादी पर फोकस हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से तमाम राजनीतिक दलों का रहा है, और महिला वोटर्स की संख्या भी इन 5ों ही राज्यों में पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ी है, जिनकी संख्या इस बार आपको बता दें 7.8 करोड़ रहेगी। तो महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। वहीं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी यूथ है, अगर फर्स्ट टाइम यूथ वोटर्स की बात करते हैं तो उनकी संख्या 60 लाख है। कुल पुरुष वोटर्स की जो संख्या है वो 8 करोड़ है, यानी कुल 16 करोड़ लोग इस बार इन 5ों ही राज्यों में वोट करने जा रहे हैं। 679 विधानसभा सीटों के लिए 5 राज्यों की ये टोटल 679 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए वोटिंग के लिए जो डेट है वो आज चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। मतगणना यानी जो फैसले का दिन है वो 3 दिसंबर को होगा, जब इन सभी 5ों राज्यों में मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार ग्राफिक्स के जरिए किस किस तारीख को किन किन राज्यों में कब कब मतगणना होनी है, कब मतदान होना है, आपको अपने मत का इस्तेमाल करना है। तो इनमें से सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां 2 चरणों में वोटिंग की जाएगी। पहला चरण 7 नवंबर, दूसरा चरण है जो 17 नवंबर को होगा, जब वोट डाले जाएंगे। और इसके अलावा जो मतदान के अलावा जो मतगणना का दिन है वो 3 दिसंबर तमाम राज्यों में रहेगा। मध्य प्रदेश में जो वोटिंग है वो 17 नवंबर को होगी, उस दिन जब छत्तीसगढ़ में सेकेंड फेज की वोटिंग होगी। तो जब सेकेंड फेज की वोटिंग छत्तीसगढ़ में हो रही होगी, तब मध्य प्रदेश में फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी। 23 नवंबर का दिन होगा जब राजस्थान में वोट डाले जाएंगे और मतगणना 3 दिसंबर को ही होगी। तो ये तमाम जो तारीखें हैं चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है, और जो आंकड़ा दिया गया है इस बार भी अच्छी खासी संख्या में, अगर 8 करोड़ यहां पर पुरुष मतदाता 5ों ही राज्यों में हैं, तो वहीं 7.8 बहुत कम नहीं है, 7.8 वोटर्स वो महिला मतदाता है, जिनकी संख्या ऑलरेडी पिछले यानी 2018 के चुनावों के मुकाबले बढ़ी है। तो इस बार भी आधी आबादी यहां पर अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आएगी। वहीं जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या भी 60 लाख बताई गई है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे चेंजेस इस बार किए गए हैं। इन चेंजेस में जिस तरह से 2 किलोमीटर के दायरे में ही पोलिंग बूथ रहेगा, जो दागी उम्मीदवार हैं उनको 3 बार अखबार में अपनी जानकारी देनी होगी, इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए घर पर ही वोटिंग की सुविधा होगी। तो इस तरह की जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि किस तरह के चेंजेस इस बार किए गए हैं, किस तरह के बदलाव इस बार किए गए हैं। तो हर 2 किलोमीटर में एक पोलिंग बूथ होगा, ये तमाम जानकारियां चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो गया है, चुनावी बिगुल अब बज चुका है। अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग में, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले इन विधानसभा चुनावों के लिए आखिरकार चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 3 दिसंबर का वो फैसले का दिन होगा, यानी काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किस राज्य में किस राजनीतिक दल की सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूं कि यहां पर जो तारीखें सामने आई है, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं 2 चरणों में चुनाव होगा, 7 नवंबर को पहला चरण है, 17 नवंबर को दूसरा चरण है, राजस्थान 23 नवंबर है, और छत्तीसगढ़ का हम आपको बता चुके हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 17 नवंबर को मतदान होना है, मतगणना 3 दिसंबर को सभी राज्यों में, सभी 5ों राज्यों में होगी। तेलंगाना की बात कर लें तो अंत में तेलंगाना में मतदान होना है 30 नवंबर को, लेकिन मतगणना 3 दिसंबर को
सभी पांचों राज्यों में होगी। तो ऐसे में बैठक मंथन चिंतन जो अब तक चल रही थी, जो उम्मीदवारों की सूची को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही थी, अब वो सूची भी धीरे धीरे सामने आने लग जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशंस फाइल करने हैं, उसके लिए भी तारीखों का ऐलान यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। जैसे कि राजस्थान की बात कर ले तो यहां पर 30 अक्टूबर से नॉमिनेशंस फाइल होंगे, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो यहां पर 13 अक्टूबर से नॉमिनेशन फाइलिंग का जो है सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से तमाम जानकारी आज चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई है और ऐसे में और ज्यादा कड़ी चुनौती अब हो जाएगी, क्योंकि वक्त कम है लेकिन दावेदारी यहां पर बहुत है। उसके साथ ही मुद्दे यहां पर जिस तरह से हावी होते नजर आ रहे हैं, ये तमाम वो चुनौतियां हैं जिनसे इस वक्त तमाम राजनीतिक दल जूझ रहे हैं। खास तौर से अगर हम तीन राज्यों की बात कर लें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जिसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की लड़ाई लग रही है, क्योंकि कहीं सरकार बचाने की कवायद है। अगर इन पांचों राज्यों में बात करें तो एक अकेला मध्य प्रदेश ऐसा जहां पर इस वक्त बीजेपी सत्ता में है, उसे अपना किला बचाना है और उसके लिए जोर तोड़ की राजनीति, यहां तमाम तरह के हर कवायद बीजेपी यहां पर करती नजर आ रही है। और जहां कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, अगर राजस्थान, क्योंकि हिंदी बेल्ट के ये वो तीन राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जिन पर लगातार सभी की नजर, चर्चा का विषय भी ये तीन राज्य खास तौर से बने हुए हैं। और मेरे सहयोगी विपिन सीधा भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 17 नवंबर को चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, सिंगल फेस में इलेक्शन होगा मध्य प्रदेश में। और ये इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, उनमें सिंगल फेज में इलेक्शन हुए थे, तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से अब चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब नई रणनीति के साथ क्या तैयारी होगी, क्योंकि अब बीजेपी लगातार यही कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है, बीजेपी की भी अब संभावना ये जताई जा रही है कि जो चौथी सूची है वो भी जल्द ही जारी हो सकती है, शायद आज शाम तक या फिर कल तक, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। और ऐसी स्थिति में जहां पर लगातार उन कैंडिडेट को भी उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए या सांसदों की, तो ये तमाम जो बातें हैं अब चुनाव की तारीख के साथ साथ ये भी अब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार अब तैयारी किस तरह से होगी। लगातार दौरे जो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के हो रहे हैं, और पिछले जो एक साल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री 11 बार मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं, लगातार बीते एक महीने में प्रधानमंत्री ने 4 दौरे किए हैं। ऐसी स्थिति में अब दौरे जो होने वाले हैं बड़े नेताओं के, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह या जेपी नड्डा, और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो पूरा शेड्यूल बना हुआ है, जैसे प्रियंका गांधी का भी कल दौरा है, इसके अलावा राहुल गांधी का भी दौरा है, तो लगातार जो 12 और 14 तारीख के मध्य प्रदेश के दौरे हैं। तो इस स्थिति में देखा जाए तो अब चुनाव की तैयारियों की जो है ताकत अब पूरी तरह से झोंक दी जाएगी, लगातार सभाएं और रैलियां होंगी, और इस बात की कोशिश है कि जहां जहां कांग्रेस या बीजेपी के जो बड़े नेता दौरा कर रहे हैं उनमें ज्यादातर वो इलाके हैं जहां आदिवासी बहुल इलाके हैं, जहां ज्यादा सीटें हैं, और दूसरा वो है जो ओबीसी वोटर्स, जिसको साधने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि तमाम सभाओं में प्रधानमंत्री का भाषण हो या फिर प्रियंका गांधी का या फिर राहुल गांधी का, ओबीसी को बड़ा फैक्टर मान के हुए यहां पर भाषण दिए जा रहे हैं और मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 5,61,00,000 वोटर्स हैं, जिनमें आधी आबादी महिला वोटर्स को साधने की यहां पर कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सभाएं की उसमें के साथ साथ देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, जो आदि आबादी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, करीब 1,25,00,000 महिला हैं जिनको ये लाडली बहना योजना के तहत जो सबसे बाद शुरुआत जो की थी, 1,000 रुपए महीने देने की, इसके बाद 1,250 के जो कर दिया गया, इस बात का भी वादा किया गया है कि 3,000 तक का ये किया जाएगा हर महीने की राशि, लगभग अब 5 किस्तें जा चुकी हैं महिलाओं के खाते में। तो एक बड़ा फैक्टर यहां पर महिलाओं का, जिस पर बीजेपी फोकस कर रही है आदि आबादी को साधने के लिए। कांग्रेस के जो वादे हैं उन गारंटी की बात की जाए तो उन गारंटी को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जिसमें महिलाओं को नारी सम्मान योजना के 1,500 रुपए महीने का वादा हो, चाहे गैस सिलेंडर 500 रुपए का वादा हो, ये तमाम वादे जो किए जा रहे हैं। तो प्रमुख मुद्दे जो है उन मुद्दों के साथ साथ इन वादों को भी अगर देखा जाए तो ये वादे भी उसी से मेल खाते हैं कि कैसे आदि आबादी या फिर ओबीसी वोटर्स या फिर दलित वोटर्स को साधना किस तरह से होगा। और आपको बता दें कि चूंकि मध्य प्रदेश में 2018 के जो परिणाम थे कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, क्योंकि 114 सीटों यानी 116 बहुमत पूर्ण बहुमत से 114 सीटें आना और 109 पर बीजेपी का सिमटना, और अब इस बार जो गणित है वो क्या बैठेगा, क्योंकि पूरा मुकाबला होगा
वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। और जिस तरह के राजनीतिक समीकरण यहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, रणनीतियां बदलती नजर आ रही है, ये चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प हो गया। और इसीलिए हम इसे लगातार 2024 का सेमीफाइनल कह रहे हैं। मनोज, अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब लग रहा है कि अब पार्टी कुछ अपनी रणनीतियों में फेरबदल करती नजर आएगी, या फिर मुद्दों पर चेहरे हावी रहेंगे, या फिर यहां सिर्फ मुद्दों की ही राजनीति यहां होती नजर आएगी। देखिए, सभी तरह की बातें होंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। पहले चरण के मतदान जो है वो 7 नवंबर को होंगे, मतलब अब एक महीने का भी समय नहीं रह गया है पहले चरण के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर अब काफ़ी तेज़ी जो है सियासी गलियारों में काफ़ी तेज़ी दिखेगी, कामकाज में तेज़ी दिखेगी। और जिस तरह से पहले चरण में ये माना जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान होने हैं, तो अब समय बिल्कुल कम रह गया है। और उसी के अनुरूप जो है अभी से देखने में आ रहा है कि तुरंत तुरंत जो है राजनीतिक हलकों में जो है तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों मुख्यालयों में चहल पहल देखी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अब कैसे जल्दी से जल्दी दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करें और मैदान पर कितने तेजी से सक्रिय नजर आए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा इसी वक्त से शुरू हो गई है। और जैसा कि आपने कहा कि चेहरे दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने चेहरे तय नहीं किए हैं। कुछ महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ काम किया है, किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ अस्मिता के लिए, राम वन पथगमन मार्ग के लिए, इस तरह के जो प्रमुख इश्यूज हैं, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के लिए जो उन्होंने काम किया था, तो ये माना जा रहा था कि भूपेश बघेल ही चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे होंगे। लेकिन कुछ महीने पहले ही आलाकमान ने ये तय किया कि सभी एकजुट होकर किसी एक चेहरे पर चुनाव न लड़के सभी एकजुट होकर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात जो है कांग्रेस आलाकमान ने कही थी। कमोवेश यही स्थिति भाजपा की भी है। जब से करीब 2 साल पहले जब डी पुरंदेश्वरी यहां की प्रभारी थी, उस समय से ही यह तय हो गया था कि यहां पर किसी भी चेहरे में चुनाव जो है भाजपा वो नहीं लड़ेगी। हालांकि उस समय डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि मैं अभी भी छोटा मोटा चेहरा हूं, लेकिन उन तमाम बातों को रिजेक्ट करके ये कहा गया था कि केवल कमल के निशान पर और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और यही स्थिति जो है उस समय से अभी तक बरकरार है, और पार्टी जो है अपने पत्ते नहीं खोल रही है कि पार्टी इस चुनाव में किसको अपना चेहरा बनाएगी। और जिस तरह से दूसरी सूची अभी कुछ दिन पहले मीडिया में सामने आई थी कि जो भाजपा की दूसरी सूची जो घोषित होने वाली है वो लीक हुई थी, और उसमें जो तमाम पुराने जो 15 साल में रमन मंत्रिमंडल के चेहरों को रिपीट करने की बात जिस तरह से सामने आई थी, उसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं कि क्या उन्हीं पुराने चेहरों को मैदान में उतारकर भाजपा जो है वो सरकार में वापस आना चाहती है, या जिस तरह से पिछले साल 2 साल से ये चर्चा हो रही थी कि नए नए चेहरे उतारे जाएंगे और नए चेहरों को सामने लाकर भाजपा जो है वो प्रदेश में चुनावी मैदान में होगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी, आने वाले 1-2 दिन में तेजी से स्थितियां बदलेंगी और पार्टियों की रणनीतियां जो है वो सामने आएंगी कि किस तरह की रणनीति को लेकर वो मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, और उसी रणनीति को और ज्यादा जानने की इच्छुक जो है, या ये कहें कि दिलचस्पी और ज्यादा राजस्थान में हो जाती है केजे, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस तो एक तरफ अपने पत्ते खोल नहीं रही, लेकिन राजस्थान भी एक ऐसा राज्य बना जहाँ बीजेपी ने भी अब तक अपना कोई पत्ता खोला नहीं है, वहां के लिए कोई लिस्ट अभी तक जारी की नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इसकी वजह बीजेपी के लिए अंतरकला गुटबाजी कही जाए, तो मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस उस अंतरकला गुटबाजी से उबरने की का जो दिखावा कर रही है, अब अंदर खाने शायद अभी भी जूझ रही है पार्टी ये कहा जाए, इसलिए कोई लिस्ट अभी तक कुछ रणनीति साफ हो नहीं रही है, चेहरा साफ नहीं हो रहा है कांग्रेस की भी तरफ से। केजे, आवाज पहुंच रही है आप तक? चले, अभी हम केजे श्रीवत्सन से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त देखिए, बड़ी खबर यही है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए। 3 दिसंबर वो निर्णायक दिन होगा जब वोटों की गिनती होगी। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो तारीखें सामने आई है उसके मुताबिक मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है, राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा और उसमें 7 नवंबर और 17 नवंबर ये 2 दिन है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और उसके अलावा तेलंगाना में 30 नवंबर को। लेकिन 3 दिसंबर का इंतजार सभी को रहेगा लगातार।